नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन पिछले 100 दिनों से लगभग 100 दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन की आड़ में क्या क्या हो रहा है इस देश में, देश की जनता देख रही है कैसे कुछ सियासी दल और जो नेता है, किसान नेता है, वो किसानों के नाम पर इस देश में राजनीति कर रही है और अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं, वो भी देश की जनता देख रही है। लेकिन हर बार ये जो आंदोलनजीवी है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नाम दिया है आंदोलनजीवी है, या राजनीतिक लोग है जो इन किसानों की आड़ में अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए, वो हर बार फेल होते हुए दिख रहे हैं। कई राज्यों से आए चुनाव के नतीजों में जिस तरह से ग्रामीण जनता ने पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उससे ये साबित हो गया है कि जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं वो इन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है और वो केंद्र सरकार के कामों से खुश है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और चुनाव में उनकी बंपर जीत हो रही है। लेकिन आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा है तो पंचायतें, महापंचायत जो कर रहे हैं किसान नेता, उसमें भीड़ कैसे जुट रही है? तो इस भीड़ के पीछे का जो लॉजिक है, जो क्षेत्र की जनता है, जब हम निकलते हैं क्षेत्र की जनता ये बता रही है कि इसमें ज्यादातर लोग या तो विरोधी दल, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं किसान पंचायत के नाम पर, या फिर इनमें वे लोग होते हैं जो दबाव के मारे वहां आ जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता है। अब इलाके का चौधरी अगर कह दे, खाप पंचायत का चौधरी अगर कह दे कि हमें पंचायत में चलना है, तो ग्रामीण इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग डर के मारे कि कहीं उनका बायकॉट ना हो जाए, कहीं उन पर सामाजिक उनका बहिष्कार ना हो जाए, तो डर के मारे पंचायत में चले जाते हैं, कई लोग उनको सुनने चले जाते हैं। तो इस वजह से इन पंचायतों में भीड़ जुट रही है, ये बताया जा रहा है। और अगर ये बात नहीं होती तो आज, माफ करिएगा, कल जो हरियाणा विधानसभा में हुआ वो नहीं होता। और हरियाणा विधानसभा में जो विपक्ष की चाल थी, विपक्ष की एक साजिश थी किसान आंदोलन की आड़ में सरकार गिराने की, वो सफल हो जाती। आपको शायद पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो संयुक्त सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। और इतने दिनों में गोटी मीडिया और इन किसान आंदोलन की आड़ में जो विधायक हैं उनके जहन में ये भरने की कोशिश की गई थी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को समर्थन करेंगे इस अविश्वास प्रस्ताव में, उनके साथ अगर आप रहेंगे, तो यह माना जाएगा कि आप किसानों के खिलाफ हैं, क्षेत्र की जनता के खिलाफ हैं, और इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गांव-गांव में यह कहा गया कि आप क्षेत्रीय विधायकों के घर घेरिए, उनको कहिए कि आप किसानों के साथ नहीं होंगे, तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और जो नेता थे, विधायक थे, वो बड़े पशुपेश में थे कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। लेकिन ये जो विपक्ष की साजिश थी, ये जो चाल थी, ये नाकाम हो गई हुई। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार नहीं गिरी, अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ लाया गया था वो गिर गया, और 55 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट दिए, जबकि सिर्फ 32 विधायक विरोध में रहे, और इसमें से 30 विधायक जो है वो कांग्रेस के ही, 30 विधायक जो है कांग्रेस के पास है, HLP के पास एक विधायक है, निर्दलीय यहाँ 7 विधायक है, टोटल 90 सीट है हरियाणा विधानसभा में, जिसमें से 2 खाली है, एक अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं इसी किसान बिल के विरोध में, और एक जो है कांग्रेस के विधायक है कालका सीट से, वो कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उनको अपना पद गंवाना पड़ा है। तो 88 सीटें हैं फिलहाल कांग्रेस माफ करिएगा हरियाणा विधानसभा में। 45 बहुमत के लिए चाहिए थे वोट बीजेपी जेजेपी सरकार को, लेकिन 55 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसका सरकार के पक्ष में पड़े। इसका मतलब ये है कि जो विधायक है वो इस किसान आंदोलन की असलियत जान चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि जो क्षेत्र में जो हवा बनाई गई गोटी मीडिया के द्वारा, जो एक तस्वीर पेश की गई, वो क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल है नहीं। वरना हरियाणा में जिस तरह की पंचायतें हो रही है, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक थे, उन पर दबाव बनना जायज था, और वो किसान बिल के समर्थन में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उसी के विरोध में था, तो सरकार के पक्ष में वोट नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर पक्ष में वोट किए हैं तो इसका अर्थ साफ है कि जो विधायक है वो जान चुके हैं कि क्षेत्र में जनता क्या चाहती है। जनता यही चाहती है कि जो
किसान बिल है, कृषि समर जो बिल है वो उसके पक्ष में है, और ये सिर्फ दिखावटी कुछ विपक्ष के लोग हैं और कुछ आड़ती हैं, दलाल हैं, जिनके समर्थन से आंदोलन चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने इसके समर्थन में उठ किया और सरकार गिरने से रहेगी। कल तक तो यही कह रहा था, सब लोग यही कह रहे थे कि हरियाणा में तो अब सरकार बचनी मुश्किल है, क्योंकि पूरी हरियाणा की जनता खिलाफ हो चुकी है, मोदी सरकार के खिलाफ हो चुकी है, बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है, और विधायकों को मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 55 वोट सरकार के पक्ष में गिरे और 32 विधायकों ने सिर्फ इसका मुखालफत की। इससे साफ हो गया है कि अब ये गठबंधन बना रहेगा और किसानों के नाम पर जो राजनीति थी, जो विपक्ष की जो एक साजिश थी, वो फेल हो गई। सीएम खट्टर ने इस पर जवाब देते हुए भी कहा कि कांग्रेस को कभी ईवीएम पर अविश्वास हो जाता है, तो कभी देश की सेना पर अविश्वास हो जाता है, अब सत्ता पर भी अविश्वास हो गया है। आलोचना करना अच्छे विपक्ष का काम है, मैं कहता हूं आप हर महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, इससे हमें ताकत मिलेगी, भले ही विरोध है लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। तो ये मनोहर लाल खट्टर में विधानसभा में कहा। विधानसभा में दिन भर कार्रवाई चली और कई विधायकों को बोलने का मौका मिला, और उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज ने भी दावा किया था कि ये प्रस्ताव गिरेगा, सरकार नहीं गिरेगी और हमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है, ये पहले से कह रहे थे और ये हुआ भी। और अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हरियाणा में अगर विधायक जो है उनको इतनी धमकी के बाद, इतने ब्लैकमेल के बाद, इतनी महापंचायतों के बाद अगर यह हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि अब इस आंदोलन का क्या होने वाला है। जगह जगह यहाँ पर शिकस्त मिलती हुई दिख रही है और ये जो साजिशें रची जा रही है वो फेल होती हुई दिख रही है। कई तरह की कोशिशें किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसान भी अब समझ चुका है कि उनके नाम का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए जो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, किसान अब घर की तरफ लौटने लगे हैं। सिर्फ वहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ आपको देखने की मिलेगी, कुछ जो मीडिया का एक धड़ा है वो ये भी बता रहा है कि वहाँ पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, वहाँ फ्रिज आ गया है, वहाँ एसी आ गई है, एसी वाली ट्रॉलियाँ आ रही है, और वहाँ पर पक्के टीन शेड के मकान बनाए जा रहे हैं। अब ये आप सोच सकते हैं, ये आम जनता के लिए आसानी भरा है इसमें सोचने में कि क्या किसी आंदोलन के लिए किसी किसान के पास, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि किसान देश का बर्बाद हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, और वो किसान एयर कंडीशन सीमा पर लेकर पहुंच रहा है, एसी लगी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान सीमा पर पहुंच रहा है, वो पक्के टीन शेड के मकान वहां पर बना रहा है। तो इतना पैसा अगर किसान के पास है तो इसका मतलब है कि किसानों के तो अच्छे दिन है, और उनके अगर अच्छे दिन आ गए हैं, उनको अगर इतनी आमदनी हो रही है, तो उन्हें इस तरह के बिल का विरोध करना भी नहीं चाहिए। और विरोध करने का एक तरीका होता है लोकतांत्रिक, अभी तो बिल होल्ड पर रख दिए गए, बिल पर कोई लागू नहीं है, सरकार कह भी रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे की मंशा जो है वो पता चल रही है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो किसान नेता है, किसानों को तो छोड़िए, पहले इन किसान नेताओं की संपत्ति की जाँच की जाए कि इनके पास कहाँ से संपत्ति इतनी बढ़ रही है, और ये कैसे किसानों के नाम पर राजनीति करके इतने फल फूल रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि जो राकेश टिकैत साहब है किसान नेता, वो कह रहे कि गन्ने का समर्थन मूल्य, गन्ना के पैसे नहीं मिलते हैं, गन्ना होता नहीं है, गन्ने के किसान लॉस में जा रहे हैं, लेकिन उनके खेत में इतना गन्ना पैदा हो रहा है गन्ने के रिपोर्ट के मुताबिक कि जो लाखों रुपये का गन्ना उनके खेत में पैदा हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, सीमित खेत में इतना ज़्यादा गन्ना कैसे पैदा हो रहा है, ये भी सवाल के घेरे में है। तो ये जो है हरियाणा में जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, ये खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे की जो बिंदु है उसे आपको देखने की ज़रूरत है कि असल में ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो गिरा है इसमें कई विपक्ष के मंसूबे भी गिरे हैं, और किसान आंदोलन की असलियत भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसका मतलब विधायक जान चुके हैं कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, और ये किसानों का आंदोलन नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का, आड़तियों का, दलालों का ये आंदोलन है, इससे ये साफ हो गया है। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।